अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी विल लर्न टाइप्स ऑफ लेटर्स। There are three types of letters: sky, grass and root letters. English के पेज में हमारे पास फोर लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4। जो ये टॉप की लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसे हम कहते हैं टॉप लाइन। जो दरमियान की दो लाइन्स हैं इनको हम कहते हैं मिडल लाइन्स। जो सबसे नीचे की लाइन है, फोर्थ लाइन, इसे हम कहते हैं बॉटम लाइन। एज द नेम स्पेसिफाइज, स्काई लेटर्स वो लेटर्स हैं जो कि सबसे फर्स्ट की टॉप लाइन को टच करेंगे या वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आएंगे। मतलब कि जो टॉप की लाइन पर तक जाएंगे वो हैं स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स जो हैं ये सारे हम स्मॉल लेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ए, ब, ख, जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हैं उन्हीं में हम स्काई लेटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी वर्ड्स हैं सारे कैपिटल लेटर्स हैं, वो सारे आते ही स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्री लाइन्स पे हैं। तो जो ये टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं ये सिर्फ इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स के लिए ही यूज़ होते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट इज स्काई लेटर्स। द फर्स्ट लेटर इज ब। नेक्स्ट इज ख। ख आता है ग्रास लेटर में। नेक्स्ट इज ड। ये देखिए यहां से स्टार्ट होके यहां पे आया, ये है स्काई लेटर। नेक्स्ट इज फ। नेक्स्ट लेटर इज ह। नेक्स्ट इज क। ल। नेक्स्ट लेटर इज ट। सो दीज ऑल लेटर्स आर स्काई लेटर्स, ब, ड, फ, ह, क, ल एंड ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर्स इज ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर की कैटेगरी में सारे वो लेटर्स आएंगे जो ये दोनों मिड लाइन पे आएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास आएगा ए, ख, ए, ई, म, न, ओ। र, व, व, वन लेटर इज लेफ्ट, दैट इज अ। दीज आर ग्रास लेटर्स। आफ्टर ग्रास लेटर्स देन कम द रूट लेटर्स।
root letters are also called ground letters. So let's begin root letters. Root letters वो letters हैं जो नीचे की सबसे नीचे की lines तक आएंगे, जो कि bottom line को touch करेंगे. As the name specifies, root, जो root है वो पौधे का सबसे bottom part है. इसलिए जो words सबसे नीचे end की bottom line तक आएंगे वो सारे letters कौन से होंगे? Root letters. So let's start. The first letter is G. ज. नेक्स्ट लेटर इज प. नेक्स्ट इज क्वे. य. सो दीज आर रूट लेटर्स. So these are three types of letters. इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए उसको रिमेंबर करना, उसको मेमोराइज़ करना ईजी है. Because practice makes a man perfect.